आज हम बात कर रहे हैं डाई ऑफ ओरल सस्पेंशन के बारे में। इसका उपयोग किया जाता है बच्चों में जब डायरिया डिसेंट्री होती है तब। तो इसको मैन्युफैक्चर करता है वह ज्वेंटस हेल्थ केयर और इसका कंटेंट है ओप्लोक्सासिन 50 mg, मेट्रोनिडाजोल 100 mg। तो इसको जब आप उपयोग करते हैं बच्चों में पिलाते हैं तो क्या फ़ायदे देखने को आ सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं, कितने समय तक पिलाना चाहिए, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जब कभी बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये वाइड रेंज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करता है और पैरासाइटिक को किल करता है। तो जब बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जैसे उसके टीथ में या उसके लंग्स में या उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या उसके यूरिनरी ट्रैक में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जेनिटल पार्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका उपयोग किया जाता है। या बच्चों को जब लूज मोशन हो जाता है, डायरिया डिसेंट्री होती है, जब उनके लैक्ट्री में पतलापन आ जाता है, बार बार संडास वगैरह करते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। तो अगर आपको उपयोग करना है तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप उससे उपयोग करते हैं तो हो सकता है बच्चों में साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं। तो बच्चों का जी मचला सकता है, उल्टी आ सकती है और उनका वेट लॉस हो सकता है और पेट में दर्द हो सकती है और सर दर्द हो सकता है और थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो सकते हैं और उनको मेटालिक टेस्ट महसूस हो सकता है और उनके जो सुसु करने जो करते हैं उसमें कलर चेंजेस दिख सकते हैं, ये टेम्परेरी रहते चले जाते हैं। तो इसको ट्वाइस डेली यूज़ करना है मिनिमम 5 days के लिए। अगर उससे ज़्यादा आपको यूज़ करना है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और डॉक्टर को इन्फॉर्म करें उसके बारे में। तो अगर बच्चों को पिलाते हैं और तुरंत वह उल्टी कर देता है 30 मिनट के अंदर तो वापस से इस डोज को रिपीट कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।